वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट modals। modals ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैन, मस्ट, वुड, कुड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ आते हैं, जो कि एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ ऑफ पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ modal वर्ब्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके यूजेज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है कैन। कैन शो करता है एबिलिटी, डाउट, अस्टॉनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। दूसरा है मे। परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोहिबिशन नहीं हो जहाँ पे डाउट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से ये बोलूँ मे आई कम इन, दैट मींस आई एम आस्किंग फॉर परमिशन। बट इफ आई से कैन आई कम इन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि अंदर आ जाऊँ क्या। मतलब परमिशन नहीं भी दोगे तो मेरा उस चीज़ पे हक है। तो कैन आपकी एबिलिटी दिखाता है और परमिशन तो है बट इट इज़ नॉट वेरी पोलाइट। देन इज मस्ट। मस्ट एक ऑब्लिगेशन के तौर पर यूज़ होता है जहाँ पे फर्म नेसेसिटी हो, लॉजिकल कंक्लूजन हो या प्रोबेबिलिटी हो। और फोर्थ हमारा modal वर्ब है हैव टू, जो कि अनविलिंगनेस ऑफ फोर्स सर्कमस्टांसेस दिखाता है। अगर मैंने बोला यू मस्ट डू दिस, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, बट अगर ये बोला यू हैव टू डू दिस तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मस्ट एंड हैव टू भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो modal वर्ब है वो है शैल। शैल दिखाता है इंटेंशन या सुपोजिशन की कोई चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट modal वर्ब है हमारा विल। विल दिखाता है हमारी विश, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि आई विल डू दिस, मतलब मैं ये करूँगा। ऑटू एक ऐसा modal वर्ब है जो मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन के तौर पे, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है और आजकल इसका यूज़ काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ यू ऑट टू हेल्प द नीडी, मतलब तुम्हें करना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है शुड। शुड शो करता है नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रिप्रोच एंड रिग्रेट। इस तरह के modal वर्ब्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स।